लॉकडाउन में जहां शहरों और गांव के हर चौराहों पर पुलिस की तैनाती है, इसके बावजूद भी अपराधियों पर नकेल कस पाना मुश्किल होता जा रहा है। और इसी तरह से ही बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसके बाद से ही पुलिस विभाग एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के काम में जुटा हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने छापेमारी में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने छापेमारी में अंतर जिला गिरोह के दो अपराधियों को हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। ये आरोपी जिले में हत्या और अपहरण के लिए फिरौती मांगना और रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। आपको बता दें कि सदर थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी कि दो अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। उसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने बताई गई जगह पर छापेमारी की, जिसमें दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से एक पिस्तौल, एक कट्टा, 8 गोली, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जी सर, क्या हुआ है? पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सीतामढ़ी जिला के बेलसन थाना के कुख्यात अपराधी, जो हत्या, लूट, रंगदारी जैसे संगीन अपराध किया है, और वो अभी एक मोटरसाइकिल से अपने एक साथी के साथ जा रहा है। सूचना के अनुसार उसे पकड़ी इस्माइल कोलन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक देसी पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस एवं दूसरे के पास से एक कट्टा, लोडेड कट्टा जिसमें 0.315 का एक गोली, जिंदा गोली बरामद किया गया। उसके बारे में पता करने पर पता चला कि ये पिछले 2018 से फरार चल रहा है और हत्या जैसे गोली मारकर हत्या कर दिया था, रंगदारी में लिया था। इस तरह के बहुत सारे केस सीतामढ़ी में इस पर दर्ज है। जेल भेज दिया गया? हाँ, गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई पूरी कर इनके साथियों की तलाश जारी रखने की योजना बना रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट।